फतेहपुर सीकरी के इस पार्ट में आए हैं जिसे कहते हैं जोधा भाई का किचन, जिस पर कहा जाता है कि तानसेन जी बैठा करते थे और गाना गाया करते थे। मीन्स यहाँ पर ही बैठकर उन्होंने दीपक राग गाया था और दीपक जल गए थे। फतेहपुर सीकरी में जहाँ से अनारकली को बाहर निकाला गया था, ये है वो रास्ता। हम बचपन से ही अकबर, बीरबल, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, इनकी कहानियाँ सुनते, पढ़ते और देखते आए हैं। और जब इन किरदारों से जुड़ी हुई जगहों को देखने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो कहानियाँ यही कहीं चल रही हों। यहाँ पर अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग करना पड़ेगी, और उसके बाद आप यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर या फिर तांगा लेकर आप बुलंद दरवाज़ा तक जा सकते हैं। तो एक तरीका और मालूम चला है जाने का बुलंद दरवाजे तक, वो है बस से जाने का। गवर्नमेंट बस भी रहती है जो पार्किंग के स्पेस से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। अभी पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि यहाँ बताते लोग कुछ है और होता कुछ है। यहाँ पर एक छोटा मार्केट भी है, अगर शॉपिंग कुछ करने की इच्छा है तो घूम रहे हैं। मेरे जैसे, हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जब कैब टूट जाए या खो जाए या छूट जाए। पार्किंग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये गवर्नमेंट बसेस मिलती हैं आगरा विकास प्राधिकरण की। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इस बस में बैठ के आप डायरेक्टली फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा तक पहुँच सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में दोनों तरह से टिकट मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन विंडो से भी ले सकते हैं। सीकरी की ये स्टोरी है कि सीकरी एक गाँव था यहाँ पर, और जब बाबर आए थे यहाँ तो उन्होंने यहाँ का एक एरिया था पास में, एक जगह खानवा था, उसको जीता था। उसको जीतने के नाम पर यहाँ पर उसको नाम दिया गया फतेह। तो फतेह और सीकरी दोनों को मिला के इसका नाम दिया फतेहपुर सीकरी। ये दीवाने आम है, यहाँ पर अकबर बैठा करते थे इस जगह पर, और बाकी प्रजा यहाँ रहती थी, उनकी सुनवाई होती थी। आपको बीच में दिख रहा होगा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहले हाथी बांधे जाते थे, पर ऐसा नहीं है। ये जो छल्ले यूज़ होते थे वो हाथी बांधने के लिए नहीं होते थे, जबकि ये शामियाने बांधे जाते थे, बड़े टेंट लगाते हैं उसको, उसकी रस्सी बांधने के लिए यूज़ किए जाते थे। ये आपको गेट दिख रहा है पीछे, यहाँ से अकबर आया करते थे, यहाँ उनकी गद्दी लगती थी और यहाँ बैठते थे। बाकी यहाँ पर उनके मंत्री वगैरह, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बैठते थे। ये यहाँ पर ब्रेल लिपि में भी लिखा गया है इसके बारे में। यहाँ पर अंदर नेट नहीं चल रहा है, बाहर टिकट बुक किया था, वहाँ पर भी मुश्किल से टिकट बुक हो पाया था। जब आप आए तो बाहर से ही डाउनलोड करके अंदर आए। ये यहाँ पर ये चीज़ें प्रतिबंधित है, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बुक्स, धार्मिक बुक्स नहीं लेके आ सकते हैं, एक्सप्लोजिव, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, खाने की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं लेके आ सकते। ये हम आ गए हैं दीवाने आम से एंट्री करके दीवाने खास में, और ये दीवाने खास है। बाहर से दिखने में ये 2 मंजिल का दिख रहा है, पर 2 मंजिल का नहीं है, अंदर से सिंगल है। ये वही जगह है जहां अकबर ने अपने 9 मंत्रियों यानी कि 9 रत्नों के साथ मिलकर दीने इलाही धर्म को बनाया था। यहां बीच में अकबर बैठा करते थे, और किनारे की तरफ जो गेट्स दिख रहे हैं वहां उनके मंत्री। दीने इलाही धर्म में 7 धर्मों को मिलाया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्म और ईरानी। ये पिलर दीने इलाही का ही सिंबल माना जाता है, क्योंकि इस पिलर में इन सभी धर्मों की डिजाइंस बनी हुई है। दीन इलाही को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। लास्ट तक बस अकबर और बीरबल ने ही फॉलो किया, लेकिन अकबर का मानना था कि सभी लोग अपने अपने धर्म तो माने पर मिलजुल कर भी एक साथ रहें। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जो बंद हो गई हैं, और एक वहाँ दूसरी तरफ से भी सीढ़ियाँ हैं जो बंद है अभी।
दीवाने खास के जस्ट सामने है ये हाइड एंड सीक का, यहाँ पे रानियाँ और उनकी दासियाँ खेला करती थी। चारों तरफ ये अलमारियाँ जो दिख रही है उसमें जगह है उनकी ज्वेलरी रखने की, ये इधर पर इसकी डेप्थ इतनी है कि अपना हमारा हाथ जा सकता है इतने तक ही, ताकि वो रखे और फिर बाद में निकाल सके। और इसके चारों ओर हाइड एंड सीक के चारों ओर इस तरह से गैलरी जैसा बनाया है यहाँ पर छुपने के लिए। इस जगह जस्ट बाजू में हाइड एंड सीक के ये ज्योतिषी जो अकबर के थे उनको बैठा करते थे। ये एलिफेंट है और ये उसकी सूंड है, तो ये पूरा एक सिंगल पत्थर से बना है पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक, और सेम ये एक पत्थर से बना है ये वाला, और ऊपर जाके इसको ज्वाइंट कर दिया गया है। जैन के कल्चर में इस तरह की डिज़ाइन बनती है। ये वो जगह है जहाँ राजा रानी चौसर खेला करते थे, यहाँ पर राजा रानी बैठा करते थे। गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राजा रानी गोटियों की जगह दासियों को खड़ा करते थे, और जब चाल चली जाती थी तब यहाँ पर म्यूजिक बजता था, उसके साथ में दासियाँ डांस करते हुए अपनी चाल चला करती थी। ये सामने आपको जो पांच मंजिला बिल्डिंग दिख रही है इसे पंचमहल कहते हैं। इसके सामने यहाँ गार्डन में उस जमाने में गुलाब और चमेली लगी रहती थी, जिसकी खुशबू जब हवा के साथ ऊपर पंचमहल में जाती थी तो गर्मियों को और भी सुकून भरा बना देती थी, इसलिए पंचमहल को गर्मियों की जन्नत भी कहा जाता है। ये सामने जो आपको दिख रहा है दीवाने खास, उसके सामने ये जहाँ गेम खेलने का था अभी मैंने आपको बताया, और उसके जस्ट बगल में ये है मदरसा। अकबर के टाइम पर ये स्कूल था बच्चों को पढ़ने के लिए। जस्ट ये दीवाने खास के सामने है अनूप तालाब। अनूप तालाब में यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म जैसा है, स्टेज जैसा बना है, और जिस पर कहा जाता है कि तानसेन जी बैठा करते थे और गाना गाया करते थे। उस टाइम पर ये तानसेन और बैजू बावरा के बीच में कंपटीशन हुआ था यहीं पर, जिसमें तानसेन जी ने गाया तो दीपक जल गए थे और बैजू बावरा ने गाया तो बारिश हो गई थी जिससे दीपक बुझ गए थे। तो इस कॉम्पिटिशन में तानसेन और बैजू बावरा की जीत हुई थी। बारिश के सीज़न में यहाँ पर सब बीच में पानी भर जाता है, और पहले भरा रहता होगा अकबर के टाइम पर। और यहाँ से ये जो आपको बीच में रास्ता दिख रही है ये बीच में जाने के लिए है, जो अभी बंद कर दिया गया फिलहाल, तो हम नहीं जा सकते हैं। अभी हम चलते हैं शीश महल देखने के लिए। ये रुकैया बेगम थी जो अकबर की एक रानी, उनके लिए बनवाया गया था। यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है पर्शियन आर्ट है, पूरी नक्काशी की गई है। इस रूम में अंदर पहले के समय में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे और महंगे महंगे हीरे जवाहरात से सजाया गया था, जिसे बाद में ब्रिटिशर्स निकाल के ले गए। ये आपको जो टब जैसा दिख रहा है, पर ये टब नहीं है, ये सुराही है, और ये टूट गई थी पूरी, जितनी नीचे से दिख रही है उतनी ही ऊपर भी थी। ये दो जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये पुराने पत्थर हैं, बाकी सारे ये गवर्नमेंट के द्वारा नए लगवाए गए हैं, इसको फिर से ठीक किया गया है। इसके जस्ट सुराही के सामने है अकबर का डाइनिंग रूम, जहाँ वो बैठ के खाना खाया करते थे। और ये आपको जो विंडोज दिख रही है, छोटी छोटी अलमारी चारों तरफ, इसमें खाने की डिशेज रखी जाती थी, और यहाँ पर बीच में वो बैठते थे खाना खाते थे। और इसके सामने ही दिखता है दीवाने खास यहाँ से, और तानसेन जहाँ बैठते थे वो पंचमहल, शीश महल, सारी चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। तो हम आ गए हैं अकबर के बेडरूम में। ये आपको जो दिख रही है जगह, यहाँ पर पहले गेट था और ये पत्थर लगाकर पूरा बंद कर दिया गया है, और उसके यहाँ से अकबर आते थे इस जगह से, और यहाँ से सीढ़ियाँ कनेक्टेड थी लकड़ी की, जो ये सामने आपको दिख रहा है पत्थर का, ये यहाँ पर बेड लगता था। नीचे आपको जो जगह दिख रही है यहाँ थोड़ी सा एक दो इंच का पानी भर दिया जाता था, उसमें मीन्स गुलाब जल वगैरह खुशबू के लिए डाल देते थे। तो उनका ये समर में सोने का बेडरूम था, और इसकी ये बेड की काफ़ी हाइट है, मीन्स मेरे से भी ज़्यादा है। ये सामने आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर बैठा करते थे अकबर जी, और यहाँ बैठकर तानसेन के गाने सुना करते थे। नीचे हमने देखा समर ख्वाबगाह, ऊपर इनका यहाँ पर है विंटर ख्वाबगाह।
यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, यहाँ भी लॉक कर दिया गया है। यहाँ से ख्वाबगाह उनके बेडरूम से उन रानियों को अगर जाना होता था पंचमहल में तो ये पूरा कनेक्टेड है। यहाँ से ऊपर ऊपर अंदर अंदर जाके ये पूरा पंचमहल तक जा सकते थे। यहाँ थर्ड फ्लोर में वो मिक्स होता है। फतेहपुर सीकरी के इस पार्ट में आए हैं जिसे कहते हैं जोधा भाई का किचन। ये जोधा भाई का किचन था, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी इसलिए उनके लिए सेपरेटली ये किचन बनवाया गया था। वो राजपूतानी थी तो इस कारण से उसमें डिज़ाइन भी किचन में अलग टाइप की बनी है। ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये राजस्थानी जैसे झुमके वगैरह कान की इयररिंग्स की डिज़ाइन है और हर डिज़ाइन अलग अलग है। और यहाँ पर ये पर्शियन आर्किटेक्चर है वॉल में। ये एंट्रेंस है रसोई का जोधा भाई के। ये महल आपको सामने जो दिख रहा है ये अकबर की रानी मरियम का महल है। इसको सुनहरा महल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्स में पहले सुनहरी कलर की पेंट किया हुआ था सुनहरे कलर से जो अब निकल गया है। ये पूरा फतेहपुर सीकरी भी रेड सैंड स्टोन से ही बना हुआ है। तो ये आपको सामने दिख रहा है जोधा भाई का पैलेस। जोधा भाई के पैलेस के जस्ट बाजू में है अकबर की वाइफ मरियम का पैलेस और उसके बगल में है किचन, जोधा भाई का किचन। और इसमें आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर खिड़कियाँ ऊपर एज़ यूज़ुअल जैसे सब उसमें होता है कोर्ट में है कि रानियाँ बैठ के बाहर देखा करती थी तो वही यहाँ पे होता है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे उनके लिए गार्ड्स रखे गए थे जोधा भाई के लिए। ये जोधा भाई का महल का एंट्रेंस है। ये है जोधा भाई की हवेली अंदर से। इसमें राजपूताना कल्चर दिख रहा है, हिंदू लुक सब जगह। जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके राइट हैंड साइड में हमको ऊपर दिखेगा जोधा भाई का समर बेडरूम। यहाँ पर पीछे इसमें जो रूम था उनका ऊपर साइड आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, उसमें जाली थी पीछे साइड जिसे हवा आने के लिए। और इसके सामने जस्ट अपोजिट आपको इधर जो दिख रहा है वो है उनका विंटर बेडरूम। ये चारों तरफ से क्लोज्ड है और ऊपर भी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जो भी रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए वो सारे बंद कर दिए गए हैं। ये आपको जो सामने का पार्ट दिख रहा है ये उनका मंदिर था। और यहाँ ये आपको चबूतरा दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे तुलसी का पेड़ कभी हुआ करता था, अभी तो कोई जंगली पेड़ शायद लगा है इसी भी मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुलसी नहीं लग रही है, नहीं तुलसी ही है, खुशबू से तुलसी लग रही है ये। और ये है उनका टेंपल, हम अंदर जाके देखते हैं किस तरह से बना हुआ था। यहाँ फोटोग्राफी भी लोग चल रही है भाई और बहनों की। सुनते हैं कि यहाँ पर मंदिर के बीच में बड़ी सी एक कृष्ण भगवान की मूर्ति हुआ करती थी और यहाँ बाजू में बाकी दूसरे भगवान की मूर्तियाँ हुआ करती थी। जोधा भाई शादी के बाद सबसे पहले आगरा में आई थी, पर जब बाबा सलीम चिश्ती ने अकबर की दुआ कबूल कर ली थी तो अकबर चाहते थे कि अगर उनका बेटा हो तो वो बाबा की शरण में ही हो, क्योंकि अकबर एक बादशाह थे और उनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आती रहती थी और वो चाहते थे कि उनका बेटा इन मुसीबतों से दूर रहे। इसलिए अकबर ने बाबा सलीम चिश्ती से आज्ञा लेकर फतेहपुर सीकरी में फोर्ट बनवाया। ये भी कुछ पार्ट है उसी का, बेबी केयर के लिए बना दिया गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये, क्योंकि जो मदर्स हैं उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर वो कहीं ऐसी जगह पर घूमने जाती है, तो ये बहुत अच्छी सुविधा बना के दी हुई है। अभी मैं जितनी भी जगह देख रही हूँ कुछ ना कुछ पार्ट को ऐसे बेबी केयर के लिए कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि बच्चे भी बेचारे थक जाते। और ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये जोधा भाई पैलेस के पीछे साइड का पार्ट है। ये जो मैंने आपको बताया था कि जाली थी उनके बेडरूम में पीछे साइड, क्योंकि समर बेडरूम था उनका, तो ये जाली वाला रूम है यहाँ पर। और उसके बाजू में ही यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था, जोड़ी वगैरह कपड़े वगैरह लेके आते थे उनको, उनके लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर, वो यहाँ पर पूरा मार्केट लगता था। अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, तो अभी देख लीजिए बीरबल कहाँ रहते थे। ये है बीरबल का महल। पूरे महल में कनेक्टेड गेट्स हैं, बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। और रूम्स 1, 2, 3, 4 ये छोटे छोटे चार रूम बने हुए हैं यहाँ पर, और ऊपर भी इसमें दो रूम बने हुए हैं।
ये है अस्तबल, मीन्स घोड़े बांधने की जगह। यहाँ पर घोड़े बनते थे चारों तरफ नहीं, तीन तरफ है, काफ़ी सारे घोड़े बनते होंगे। और बहुत लंबा लंबा कॉरिडोर बने हुए हैं दोनों साइड। घोड़े के लिए खाना रखते होंगे यहाँ पे। तो हमने अभी घूम लिया है फतेहपुर सीकरी का सीकरी जगह, और इसके बाद हम जाएंगे फतेहपुर। वहाँ पर बुलंद दरवाजा है जहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह है। अभी हम सीकरी से बाहर निकले, और जब बाहर निकलने के तुरंत बाद ही हमको बुलंद दरवाजा फतेहपुर का दिखाई देने लगा है। ये है सामने, ये हम पहुंच गए हैं बुलंद दरवाजा के बादशाही गेट पर। यहाँ से बादशाह अकबर एंटर किया करते थे। ये यहाँ पर हमने शूज़ निकाले हैं क्योंकि दरगाह में जाने के लिए शूज़ निकालने पड़ते हैं, और यहाँ से हमको पहनने के लिए मिल गए हैं शूज़ यहाँ से। अभी हमने जहाँ से एंटर किया बादशाह के गेट से, तो अंदर आए हैं। सामने जस्ट गेट के सबसे पहले हमको दिखती है, ये सामने आपको दिख रही है मस्जिद है, जामा मस्जिद कहते हैं इसको। इसके बाजू से सलीम चिश्ती की दरगाह है, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये बुलंद दरवाज़ा। इसको हम बाहर से बाद में देखेंगे, पहले अंदर का देखते हैं और बाकी जगह भी जाएंगे। यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा हॉल लंबा सा, आपको जो गेट्स दिख रहे हैं ये लगभग 84 गेट्स है चारों तरफ। और कहा जाता है कि ये यहाँ पर मदरसे चलते थे पहले, तो जब अकबर के टाइम पर यहाँ पर बच्चों के स्कूल था। अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो चाहते थे कि उनके राज के बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी ज़िंदगी आगे जिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस समय बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया, जिसमें आसपास से बच्चे आके रहा करते थे और पढ़ाई किया करते थे। उस समय यहाँ पर अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को सिखाया जाता था। इसकी फतेहपुर सीकरी की ये स्टोरी है कि अकबर को बेटे नहीं हो रहे थे, उनको सपना आया अजमेर का, तो वो दिल्ली से पहले अजमेर पैदल पे गए बिना कुछ पहने, फिर वहाँ पे ख्वाब आया कि यहाँ पर आए सलीम चिश्ती की दरगाह में, तो वो यहाँ पर आए पैदल बिना कुछ पहने पैर में। और यहाँ आने के बाद में उनको सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, उनको जोधा बाई से सलीम का जन्म हुआ। जो अकबर का पुत्र हुआ उसका नाम सलीम रखा बाबा ने, और 12 साल की जब उनको गद्दी दी गई सलीम को, तो उनका नाम चेंज करके जहांगीर कर दिया गया। ये आपको यहाँ पर ये जो भी कब्र दिख रही है, ये बाबा सलीम चिश्ती के परिवार की ही, उनकी पीढ़ी के लोगों की ही कब्र है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है उसके बाजू में, वो जो भी लेडीज़ होती थी उनकी, बाहर ये मेल की कब्र है और अंदर इसके लेडीज़ की कब्र है। क्योंकि पर्दा प्रथा था बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से उन लेडीज़ का जो कब्र बनाई गई वो अंदर बनाई गई है। और अब मैं आ गई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आप भी इंटरेस्टेड होंगे सुन के। मैं आई हूँ ऐसे रास्ता दिखाने के लिए जहाँ से अनारकली को बाहर निकाला गया था। ये है वो रास्ता जहाँ से कहा जाता है कि अनारकली को बाहर निकाला गया था, और ये रास्ता जाता है, सुरंग है ये, और ये रास्ता जाता है आगरा फोर्ट में मिलता है। अनारकली की वैसे तो स्टोरी है कि उसको दीवार में चुनवा दिया गया था, सभी ये जानते हैं, हमने हमेशा यही सुना है, पर सच्चाई ये बोला जाता है कि यहाँ से निकाला गया था इस सुरंग से। और उनकी जो कब्र है वो लाहौर में है अनारकली की, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ ख़त्म हुई होती तो यहाँ पर होती। तो ये वो गेट है जहाँ से अनारकली को बाहर निकाला गया था। ये दरगाह पहले अकबर ने बनवाई थी, यहाँ पे बाबा बैठा करते थे, तो पहले रेड स्टोन सैंडस्टोन की बनी थी, फिर बाद में जहांगीर को पता चला, उन्होंने इसको कि इनकी आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने इसको चेंज करके वाइट मार्बल में चेंज कर दिया, इसको पूरा मार्बल का बनवा दिया। यहाँ पर ये मन्नत के लिए लोग आते हैं उनकी आशीर्वाद लेने के लिए। भजन तो हिंदू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बट जो भी है
सूफ़ी सॉन्ग सुन के, बहुत अच्छा सूफ़ी सॉन्ग सुनने के बाद में निकले हैं हम लोग ये सलीम चिश्ती दरगाह के बाद। सामने है जामा मस्जिद और उसके सामने ये छोटा सा पौंड है, इसमें आप हाथ पैर धो सकते हैं। इसके चारों तरफ आपको छतरियाँ दिखेंगी हैं। ये बुलंद दरवाजे का अंदर का व्यू, तो अभी मैं बताती हूँ आपको बुलंद दरवाजे की थोड़ी सी हिस्ट्री। जब अकबर गुजरात जीत कर आए तो उसकी याद में उन्होंने ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया यहाँ पर। बुलंद दरवाज़ा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट दरवाज़ा है, जो लगभग 176 फीट का है, और यहाँ चढ़ने के लिए बुलंद दरवाजे में 42 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। 42 सीढ़ियाँ बाहर से बनी हुई हैं। गैलरीज़ में सभी लोग बेस बैठते हैं और बड़ी नमाज़ पढ़ जाती है। और बाजू में ये गेट है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा। तो यहाँ से ये है सिटी फतेहपुर सीकरी की, ये ऊंचाई पे बना है अरावली हिल्स के, और ये है 42 सीढ़ियाँ, और इसके जस्ट सामने ये है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 में बनवाया था और ये उनकी कैपिटल 1585 तक रही। यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली। तो फतेहपुर सीकरी अकबर की 14 साल तक कैपिटल रही। यहाँ बुलंद दरवाजे में सामने कुरान की आयतें और ईसा मसीह से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं। और नीम की पत्ती तुलसी से कम नहीं, बड़े भाई तो सलमान खान से भी कम नहीं, और नीम की पत्ती बहुत अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पर वो गा रहे हैं सूफी सॉन्ग्स, दैट इज ऑसम एक्चुअली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।